बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज हम मार्केट के इंडेक्स का वीकली बेसिस पे रिव्यू लेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट का वीकली बेसिस पे क्या रिव्यू हो सकता है और मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और किस लेवल्स पे एहतियात करनी चाहिए और किस लेवल्स के बाद जो है ना मार्केट अच्छा अपसाइड दे सकती है। और पहले हम फिपीलीपी डेटा को देख लेते हैं कि वीकली बेस पे फिपीलीपी डेटा का क्या हाल है। ठीक है, तो पहले बात अगर इंडिविजुअल्स की करें तो इंडिविजुअल ने बाइंग की हुई है अच्छे हर सेक्टर्स में। ठीक है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने क्या किया है, फॉरेन कॉर्पोरेट में ये ऊपर वाले पांच सेक्टर्स में इन बैंक्स और सीमेंट के अंदर तो बेतहाशा सेलिंग की हुई है। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन तक उन्होंने सेलिंग ही सेलिंग की हुई है और बाकी नीचे वाले सेक्टर्स में उन्होंने बाय किया हुआ है और सबसे ज्यादा बाय टेक्नोलॉजी के अंदर है। और टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी अगर आप देख लें तो कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ एक दिन उन्होंने सेलिंग की, उसके अलावा बाइंग ही बाइंग है। और लास्ट वीक भी उन्होंने यही काम किया था, अब भी यही काम किया, दैट मींस फॉर श्योर के कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसके अंदर रहेगी। दूसरा सेक्टर जिसमें ये लोग सेलिंग नहीं कर रहे वो टेक्सटाइल है और तीसरा सेक्टर फूड का सेक्टर है। ठीक है, जो इस वीक भी मेरे ख्याल में पिछले वीक भी इन्होंने टेक्सटाइल के अंदर सेलिंग नहीं की, तो आप जाके देखें देख कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि इन्होंने इस सेक्टर में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सेलिंग नहीं की, अभी भी नहीं की और पहले भी नहीं की। तो ये दो सेक्टर्स आप अपनी तीन सेक्टर आप अपनी लिस्ट में रखें। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फॉरेन कॉर्पोरेट्स। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करें, ओवरसीज पाकिस्तानीज में जिन्होंने फॉरेन कॉर्पोरेट ने सेलिंग की है उन्हीं में ही इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाइंग की हुई, तो बड़ा गलत क्या बना ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म। और इंडिविजुअल्स ने देखें सेम वही काम किया हुआ। ठीक है, और अदर सेक्टर्स में इन्होंने बाय किया हुआ, अच्छा खासा बाय किया हुआ, चलो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। और अदर सेक्टर्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग की हुई है, लेकिन लास्ट दो दिनों में ये इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट दो दिनों में इन्होंने सेलिंग की, तो अदर कॉर्पोरेट्स अदर सेक्टर्स भी जो है ना वो फॉरेन कॉर्पोरेट के लिहाज से सेलिंग है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने सीमेंट के अंदर और फर्टिलाइजर के अंदर सेलिंग की हुई है बहुत ज्यादा, और उसके अलावा अदर सेक्टर्स में एक्सट्रीम सेलिंग की हुई है, और सबसे ज्यादा बाइंग इनकी बैंक्स के अंदर है। बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग की हुई है 532 मिलियन की टेक्नोलॉजी के अंदर। और उसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल और फूड के अंदर इन्होंने भी बाय किया हुआ है, फूड के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट ने जो अभी तक इंपॉर्टेंट एंटिटी हमने देखी है उसके अंदर बाय किया हुआ है। इन टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी सेलिंग है, ओके नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं ओवरऑल इनकी सेलिंग है, इनकी भी ओवरऑल सेलिंग है कंपनीज की, ओवरऑल इनकी इंडिविजुअल की तो बाइंग ही होनी है, ओवरऑल ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी सेलिंग है, ओवरऑल फॉरन कॉर्पोरेट्स की भी सेलिंग है। तो ओवरऑल अभी तक तीन सेक्टर्स की सेलिंग है, फॉरन कॉर्पोरेट्स की भी, कंपनीज की भी और बैंक्स की भी। ठीक है, आप नीचे देखते हैं, नीचे आ जाए एनबीएफसी को छोड़े, एनबीएफसी के बाद म्यूचुअल फंड को देखिए, ओवरऑल इनकी सेलिंग है और टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी बाइंग है और फूड के अंदर टेक्सटाइल के अंदर इनकी बाइंग है पिछले दो दिनों में, तो और सीमेंट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा सेलिंग है। ठीक है, और मार्केटिंग के अंदर भी इनकी सेलिंग है, सही है। मतलब तीनों सेक्टर अभी तक जो हमने देखे हैं जो मजबूत हैं वो टोटल ओवरऑल सेलिंग पे है, लेकिन उसके अंदर फूड के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और फूड के अंदर थोड़ा बहुत मिक्स। ठीक है, अदर सेक्टर्स में आ जाए तो ओवरऑल बाइंग है और इन्होंने भी टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा बाइंग की हुई है, बेटे इतनी ज्यादा नहीं। ब्रोकरों को देख लें तो ब्रोकरों ने टेक्नोलॉजी के अंदर सेलिंग की हुई है और लेकिन ओवरऑल इन्होंने बाय किया हुआ, इसका मतलब है प्रॉफिट टेकिंग आई। और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग किया हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अभी बाय साइड पे लग रही है। ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड भी सेलिंग पे हैं, बैंक्स भी सेलिंग पे हैं, कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, फॉरन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि तगड़ी हैं वो बाय साइड पे हैं। ब्रोकर का प्रॉफिट टेकिंग होती है, प्रॉफिट इन्होंने प्रॉफिट बुक करना होता है, ये लंबी होल्डिंग के लिए नहीं आते। लेकिन इंश्योरेंस की मैं आपको एक बात बता दूं, ये लंबी होल्डिंग के लिए आते हैं, अगर बाकी सेक्टर बाय सेलिंग कर रहे हैं तो इंश्योरेंस की बेस पे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है मतलब इसके अंदर ना। और ये इंश्योरेंस कंपनीज जब मार्केट 32,000 31,000 तो इंश्योरेंस कंपनीज बाय साइड पे होती थी, बाकी ओवरऑल सेलिंग साइड पे होती थी, ये फिर जब मार्केट ऊपर आती है ना ये लोग सेलिंग साइड पे होते हैं। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसपे मैंने इंश्योरेंस कंपनीज में म्यूचुअल फंड की और बैंक्स ट्रेंड डिस्कस किया था कि क्या होता है इंडेक्स के साथ अगर ये लोग बाय करें, तो आपने नहीं देखी तो आप वो दोबारा जाके देख सकते हैं, तो उसमें आपको ना एक छोटा सा व्यू भी मिल जाएगा, मतलब है तो वो एक बहुत कम स्केल पे डेटा, लेकिन ये है कि छोटा सा एक ओवरव्यू मिल सकता है आप। तो ये इस डेटे के लिहाज से ना इंश्योरेंस कंपनीज ने जो बाइंग कर छोड़ी है ना उसके लिहाज से मैं खुद अभी आपको कोई ये नहीं कह सकता कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगी, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में कुछ पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब वो अभी से ही पॉजिटिविटी होगी या बाद में पॉजिटिविटी होगी, लेकिन कुछ होगा जरूर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है कि इसी इधर से ही पॉजिटिविटी होगी, और लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आपने कर लेनी है। प्रॉफिट टेकिंग हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपको मौका मिले कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने
उसकी स्क्रिप्ट्स की सेल कर दिया करें। जैसे आप, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रहती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहती तो फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग ही आपको अपने आपको ना आपको स्ट्रेंथन करेगी मुकाबला करने के लिए, नीचे आती है। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे ना तो नीचे आएगी, तो आप परेशान होते रहेंगे, यार ये कहाँ से बैक होगी, कहाँ से बैक होगी, कहाँ से। और दूसरी मैं एक बात इंपॉर्टेंट कर दूं कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट हमेशा 2 से 3 टारगेट करने होते हैं। ज्यादा स्क्रिप्ट अगर आप बाय करेंगे तो आप उनको एवरेज आउट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, मार्केट सीधी नहीं होगी, उनके एवरेज सीधी नहीं होगी, लेकिन आपके सारा रुपया खत्म हो जाएगा। तो आपने स्क्रिप्ट्स अपने 2-3 रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीक में लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और फूड और टेक्सटाइल ये आप अपसाइड हो सकते हैं, तो आप इनमें से कोई एक एक स्क्रिप्ट पकड़ने, ज्यादा ना पकड़ने, 3 स्क्रिप्ट पकड़ने। फॉर एग्जांपल नेट सोल पकड़ने या टैली पकड़ने, नेट सोल पकड़ने या एवियन पकड़ने। नेट सोल बहरहाल इसमें अच्छा है, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। और फूड में पकड़ने, जो मैंने फ्यूड पे वीडियो बनाई है, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगता है उसमें पकड़ने। और टेक्सटाइल में अगर कोई नीचे वाला शेयर पकड़ना है, यो कॉसम, ठीक है, या फिर कोई अच्छा शेयर पकड़ना है, ILP, NML, उसकी तैयारी कर लें, और उसको फिर गैटम जैसे भी अच्छे हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आप वेरियस अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपने कम रखना होता है स्क्रिप्ट को, और बाइंग उतनी करनी होती है कि आप नीचे भी आए तो आपके अंदर हौसला हो उसको वो करने का, एवरेज आउट करने का। उसके बाद चले जाते हैं अब, मैंने थोड़ा सा ना टाइम ले लिया इसके ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, आप काइंडली वीडियो को ना तकरीबन थोड़ा सा देख लिया करें, ठीक है, और कोई बात ऐसी भी होगी शायद जो कि इंपॉर्टेंट होगी, या कोई एक ऐसी बात होगी जो कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ होगी या फिर बाइंग की तरफ होगी, तो शायद वो आप मिस ना कर जाए। तो आप काइंडली वीडियो को पूरा देख लिया करें और चैनल को लाइक कर लिया करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और बेल बटन लाजमी दबा, ताकि आपको फौरन से पहले वीडियो मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो उसके बाद हम देखते हैं इस वीडियो के एंड में ना, मैं एक छोटा सा आपको एक पैगाम भी दूंगा और मेरी एक वो भी है आप लोगों के साथ, मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट ही है मतलब, लेकिन ये है कि आप उसको कंसिडर कर सकें। तो उसके बाद देखते हैं इसका टेक्निकल व्यू, मतलब के ग्राफ साइड पे ना, ग्राफ साइड पे अगर देखें तो मार्केट ने वीकली पिवोट बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी है। इससे अच्छी क्लोजिंग मार्केट नहीं दे सकती थी जितनी क्लोजिंग इसने दे दी है। एक्सपेक्टेड नहीं था ये, बिलीव में कि मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है, ठीक है। और लेकिन चूंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इन है और बाकी प्रॉफिट टेकिंग साइड पे है, तो इसमें ये होगा कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप अपसाइड लेगी, ठीक है। हो सकता है नीचे भी आए फिर ऊपर आ जाए, हो सकता है यहीं से ऊपर चली जाए, तो ये 50-50% सिचुएशन है। लेकिन इंशाल्लाह मार्केट जो है ना अपसाइड लास्ट में ले, ठीक है। अब वो कहाँ पे लेगी ये थोड़ा वक्त ही बताएगा, मतलब अब मुझे तो ये टाइम, मैं तो टेक्निकल देख के आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा ना कि यार अब अपसाइड के लिए रेडी है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ी कश्मकश सिचुएशन में है, थोड़ी बहुत कश्मकश में, 20-10% कश्मकश में, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर ही। तो वीकली बेस पे पिवोट से ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, और वॉल्यूम इसके डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इसके अच्छे हैं, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम है, ठीक है। हाँ, अब क्लोजिंग देखें मार्केट की, मार्केट ने 46,300 का लो लिया था, ऑलमोस्ट 46,300 का लो, यहाँ से मार्केट का बैक होना इज टू गुड, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट 900 पॉइंट गेन कर चुकी है, ठीक है। मार्केट अपने हाईस को 47,600 ऑलमोस्ट जो कि उसका हाई था, जहां से उसने अपनी रिट्रेसमेंट की थी, और 46,300 का उसने लो लगाया ऑलमोस्ट में, ये राउंड अबाउट फिगर है, मतलब ये राउंडेड फिगर है। तो ऑलमोस्ट उसने 1,300 पॉइंट की करेक्शन, 1,300 पॉइंट में से 900 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी और बड़ी अच्छी बात है, मतलब ये कि और वॉल्यूम्स के साथ गेन की है, तो एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा साइन है। तो अगर हम इसको, इसका एक चैनल छोटा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, ठीक है जी, ये देखें, ठीक है, मार्केट ने ये तो एक खुशाइन बात है कि इसने इस चैनल को ब्रेक किया है, ठीक है, इस चैनल को इसने ब्रेक किया है और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग इससे ऊपर दी है। तमाम इसकी जो, अगर ये कैंडल आपको ये वाले लेवल जो कि इसका लेवल है 47,200 का लेवल, 250 का लेवल, अगर ये इससे ऊपर कल इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग बना गई, ठीक है, तो फिर ये मतलब के डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। वीकली बेसिस पे मैं आपके देखते हैं कि डेली बेसिस पे ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी और अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अब इसका स्पोर्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि अगर ये कैंडल यहाँ पे बनेगी, यहाँ से फिर इसका स्पोर्ट जोन बन जाएगा 47,000 का, 47,000 से ये बैक होगी। अगर दोबारा इस चैनल के अंदर घुस गई, ठीक है, अगर दोबारा मार्केट इस चैनल के अंदर घुस गई तो क्या होगा, तो होगा ये, देखें मार्केट का पहला टॉप लगा 48,122 का, दूसरा टॉप लगा 47,650 का, अगर तीसरा टॉप 650 से लो का हुआ, ठीक है, तो मार्केट अपनी और इस सपोर्ट को भी तोड़ के इस चैनल में वापस आ गई,
तो फिर ये खतरनाक बात हो जाएगी, ठीक है। और इसने फिर जो है ना वो लो इसका लगेगा 46,000 के पास पास, ये इस चैनल में अगर जो के बता रहा है जो चैनल चैनल में, क्यों? क्योंकि इसकी वजह है, देखें पहला मार्केट का अगर हम देखें तो लो लगा था 46,850 का, दूसरा मार्केट का लो लगा है 46,300 का, ठीक है। मार्केट अपना नीचे वाले लो बनाती जा रही है, ठीक है, जैसे ही नीचे आती है तो लो नीचे वाला लगाती है अपना। सिमिलरली ये भी अगर मार्केट अब नीचे आएगी तो लो इसका 46,000 का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और होने को कुछ भी हो सकता है, देखिए मैं तो आपको एक व्यू बता सकता हूँ ना कि ये हो सकता है, लेकिन ये है कि मार्केट अभी फिलहाल इस चैनल से ऊपर है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह ताला यहीं से ही अपसाइड लेगी, ठीक है। और यहीं से ही एक्सपेक्टेड है कि कल ये अच्छी क्लोजिंग दे के, और लोगों को डराया गया है फिलहाल के इंडिविजुअल्स ने बाइंग की हुई है बहुत ज्यादा, और वो किया हुआ है, ये किया हुआ है, उनकी सेलिंग है तो फलाने की बाइंग है। देखें मार्केट चलती जरूर इस पे है, लेकिन कभी कभी वो भी लोग मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप पिछला फिबिलिटी डेटा उठाएं 2 दिन पहले का, या पता नहीं कितने दिन पहले का, 1-2 दिन पहले का, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जो है ना बड़ी बड़ी जो एंटिटीज थी वो सेलिंग साइड पे इंडिविजुअल्स बाय कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपोजिट भी हो जाता है, तो आपने डरना नहीं है, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी, ठीक है। अपने स्क्रिप्ट्स के ऊपर ध्यान दें और प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग आपको देती है तो वेल एंड गुड। उसके बाद ये बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में अब डिस्कस कर लिया आपको, और इस चैनल को मैं जरा हटाता हूँ और चलता हूँ मैं नीचे। और नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे इसका मैकडी आपको कह रहा है कि वही पॉजिटिव साइड की उम्मीद बाकी है अभी, ठीक है। पॉजिटिव साइड इंशाल्लाह ताला ये कल अगर 46,200 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो इंशाल्लाह ताला ये कट भी जनरेट होगा, और ये भी मैकडी भी जीरो पे आ जाएंगे, और कोई पता नहीं अगर वॉल्यूम ज्यादा लग गया तो ये ऊपर ही ना चले जाए, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर ये जीरो के पास लास्ट नहीं आ जाएंगे अगर ये कट जनरेट हो गया, अगर यहीं से बैक हो गया फिर ज्यादा काम खराब होगा। और उसके बाद अगर RSI देखें तो माशाल्लाह अपसाइड पे है, ठीक है। 51 पे उसने क्लोजिंग दिया RSI में, बहुत अच्छी बात है। 50 से ऊपर RSI हमेशा अच्छा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की 66 पे है, ये उस वक्त तक अगर ये 66 तक पहुंचता है तो मेरे ख्याल में मार्केट 47,500 को 650 को टच कर रही हो, ये भी पॉजिटिव जोन में है। तो इंडिकेटर सारे ही कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, एक्सेप्ट बस ये कि इसको कैंडल एक ड्रॉ करनी है ऊपर। और अगर हम वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे आपको रेजिस्टेंस सामना है सेम वही जो आपको डेली बेस का सामना है, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी 250 की रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर कैंडल बन गई तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज स्पोर्ट मार्केट को मैंने आपको बताया कि 47,000 के पास है, अगर नहीं तो फिर ये मार्केट दोबारा उस चैनल में जो कि मैंने आपको पहले बना के दिखाया उसमें आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पे भी देख लें आप एक दफा ना, 46,920 का लो ऑलमोस्ट लगा, फिर उसके बाद मार्केट का लो 46,688 का लगा, फिर मार्केट का लो लगा 46,000। तो मार्केट इधर से भी वीकली बेस पे भी अपने नीचे वाले लो लगाती आ रही है, तो अपना प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करके रखें ऊपर वाली साइड पे। हाँ, ये हो सकता है कि आप पूरा ना सेल करें, कुछ ना कुछ परसेंटेज सेल कर दें, बाय नीचे आता है तो दोबारा कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये वीकली रिव्यू है, वीकली बेस पे मार्केट को रेजिस्टेंस पहली तो ये है, दूसरी रेजिस्टेंस 46,650 की है, और तीसरी रेजिस्टेंस मार्केट को 47,000 ऑलमोस्ट 800 to 900 की है। उसके बाद अगर वीकली उस पर देख लें तो हिस्टोग्राम बड़े तो नहीं है, ये अच्छी बात है कि बराबर ही ऑलमोस्ट हिस्टोग्राम ने क्लोजिंग ली, लेकिन स्टिल डार्क हिस्टोग्राम बने, तो उसको भी देख सकते हैं। RSI ऊपर की तरफ है, ये भी जरा उस रीजन में है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा अरसा गुजार सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसलिए कह रहा हूँ, देखें यहाँ पे मार्केट आई थी 29 मार्च को इसी रीजन में, ठीक है, और इसी रीजन में आई और मार्केट ने 29 मार्च से लेकर 3 मई तक का टाइम गुजारा, ठीक है। तो पता कोई नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये जो है ना पॉजिटिव साइड पे चली जाए। जब तक इस रीजन में नहीं आएगी मार्केट सेफ जोन में नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब मार्केट की वीकली क्लोजिंग आपको 46,200 से एटलीस्ट ऊपर क्लोज होगी, लेकिन ये आपने ये रीजन ये बताता है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लेनी है तभी आए। तो ये था जी वीकली बेस पे रिव्यू, डेली बेस पे रिव्यू, डिटेल रिव्यू। मेरे ख्याल में इससे डिटेल आपको ना कोई और बता सकता है, ना इससे कोई और ज्यादा हो सकता है कुछ। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम वाला तो वो भी कर लें, उसमें ये है कि मैं आपको बिटकॉइन से रिलेटेड भी, क्रिप्टो से रिलेटेड भी जो कॉइन मैं समझ रहा हूँ, मैंने अभी 2 कॉइन बताए थे, ठीक है, LTC और वो क्या नाम है, वन कॉइन, तो उस टाइम 1.18 पे ट्रेड हो रहा था, या पता नहीं 0.16 पे ट्रेड हो रहा था, मैंने उसमें कहा कि ये जो है ना 0.22 इसकी वो है रेजिस्टेंस लेवल है, 0.21 से लेकर 0.22, तो इसको ये तोड़ देगा तो अपसाइड ले लेगा और फिर नया हाईज बना लेगा, तो माशाल्लाह अभी 0.2 के करीब करीब तो आ चुका है, लेट्स सी क्या होता है। और LTC का भी मैंने बता दिया, तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि उस पर आप आ सकते हैं, तो उसमें जो मुझे कॉइन लगेगा कि यार ये बेहतरीन है, मैं सिर्फ वही, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इसका कोई 24 घंटे इसका कोई यही करता रहूँ, लेकिन जो मुझे कॉइन समझ में आ रहा होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बात, उसका मैं लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं कोर्स भी करवाता हूँ, ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, मेरे से लोग ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, दो लोग इस टाइम मेरे ग्रुप में हैं। मैं दो से तीन तीन दो या चार, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगता हूँ लोग ना, तो क्योंकि उसमें लर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसकी फीस भी मतलब ज्यादा तो है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जिन्होंने उसको लिया है उसके कमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं, ठीक है। और वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 8,000 से 10,000 के करीब करीब आपको कोर्स पड़ेगा। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको ऐसा टेक्निकल आप एनालिसिस कर लेंगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी गुरु की या किसी भी, मैं अपने आप को गुरु गुरु नहीं कहता हूँ, मैंने चीजें सीखी हैं, ठीक है। मैंने इसमें 6 साल लगाए हैं, मैंने ये 6 साल लगा के ये चीज क्रीम ली है, ठीक है। तो ये मेहनत से चीज आती है, इसमें कोई हार्ड साइंस नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर उसके साथ आप इसको सीख भी सकते हैं, औरों को भी गाइड कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम में मिल सकते हैं। टेलीग्राम में मेरा वो है, मैंने आपको फीस भी बता दी है, स्ट्रक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी में, क्योंकि मेरा अभी दो ग्रुप चल रहा है, उसने भी 10 दिन तक चलना है। तो नेक्स्ट ग्रुप में जो है ना वो तकरीबन 1 महीने बाद, अगर ज्यादा लोग हो गए तो फौरन से हो गए तो मैं शायद महीने तक शुरू कर दूँ या 15 दिन तक शुरू कर दूँ, इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो ये एक दो चीजें थी, और इसके अलावा भी और चीजें आती रहेंगी, लेकिन ये कि आप जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग करें और अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।